कुछ लोग हैं जो पूछते हैं कि भैया क्रिप्टोकरेंसी कितना है, तो मैं उनको बता देती हूँ। तो मैं बंद होके अपनी बातें अपने आप से कर लिया करूंगी, रो लिया करूंगी। एवरी वन, गुड मॉर्निंग। आप सब भी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। एक्चुअली मतलब यहीं पे थोड़े से आगे एक छोटी सी लड़की का जन्मदिन है, बहुत छोटी सी है वो। तो यहाँ पे देव को हम भेजेंगे, मैं तो नहीं जाऊँगी पर हाँ उसको भेज देंगे क्योंकि, और ये मैंने अमेजोन से बाय किया हुआ है, आप भी इसको बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बो है, अगर आप इसको किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, गर्ल्स को, बॉयज़ का भी आता है हालांकि, और बट ज़्यादातर गर्ल्स को अच्छा लगता है। तो हमने कहा चलो हम यही पैक कर देते हैं। एक्चुअली मैंने ये अपने लिए मंगवाया था बहुत पहले, पर मेरे पास रखा था, मैंने यूज़ किया ही नहीं, 1 जुलाई को मंगवाया था। हमने कहा हम पैक करके उन्हीं को दे देते हैं, कहाँ से कुछ लेकर आएंगे। और ये हमारा पैक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे कुछ पार्सल भी मुझे रिसीव हुए हैं जो कि मैंने अमेजोन से बाय किए हुए हैं, और कुछ बातों का आज आप लोगों से जिक्र भी करना है, तो चलिए आप बने रहिएगा। और ये लहंगा के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आरती आपने ये लहंगा कहाँ से लिया है, तो आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। ये मैंने लहंगा आप लोगों ने देखा था, मैंने जन्माष्टमी के दिन पहना हुआ था, काफ़ी अच्छा मटेरियल था, और अभी मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, कोई फेक प्रोडक्ट नहीं बता रही हूँ आप लोगों से। और अभी हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा घर घर के बाहर रोडों में कुछ काम चल रहा है, तो आपको शायद मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ उसको माफ़ करिएगा। एंड मैंने यहाँ पे कुछ अपने कॉल ऑफ शूट किए थे, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। आप लोग की कमेंट्स आए इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता दिया मैंने। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में मैं अपने ब्लॉग में पूरी पूरी मेहनत कर रही हूँ, 100 में से 101 देने की तो कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे से हिम्मत नहीं है, पर हाँ 80-70% देने की ज़रूर कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मैं अच्छा चीज़ दिखा सकूँ। और जैसी मेरी हालत है, मेरे हालात तो हैं ही ऐसे, चलिए अब हम फेस टू फेस मिल के आप लोगों से बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताने नहीं आई हूँ, बस ये कि अपने दिल की बात करने आई हूँ। और आप इस तरीके से कर मुझे रेडी देख रहे हैं, तो मैं अभी एक वीडियो बना रही थी, सब तैयार हो करूँगी, बट हाँ एक कमरे में बंद होके अपनी बातें अपने आप से कर लिया करूँगी, रो लिया करूँगी अकेले में, पर आप लोगों से कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ लोग मेरा तो दर्द नहीं समझेंगे, लोगों को ये लगेगा, मजाक लगेगा कि मैं हंसी में बोल रही हूँ, पर जो मेरी ज़िंदगी में बीत चुका है, चल रहा है, वो शायद मैं देखिए हर टाइम, हर दिन, हर घंटे, हर पल यही कोशिश करती हूँ कि जो मेरा परिवार है वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और बाकी मैं अगर अकेले रहती हूँ, अकेला फील करती हूँ, तो मुझे बहुत 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 डर लगता है, खुद को डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है चिल्ला चिल्ला के मुझे भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि मैं भी औरत ही हूँ यार, है ना। तो मैं उसी समय से जुड़ी हुई थी, जो भी होगा जैसा भी होगा, बस ये है कि अपने आप से खुद से बातें कर दिया करूँगी, आप लोगों से नहीं बताऊँगी, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करूँगी। आज के लिए मुझे इतना ही कहना था, और अब से शायद जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी कोशिश है, और आप लोगों को ये भी बताना था, अभी आने वाले कुछ दिनों में शायद जो आप लोगों को मैं बातें बताऊँ, आप लोगों को थोड़ा सा धक्का लगे, मतलब ये बताऊं। अच्छा, कुछ बातों बताने में मैं खुद ही डरती हूँ आप लोगों से, कि वो बातें मैं आप लोग क्यों अपनी जबान में लेकर आ रही हूँ, या फिर क्यों मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मैंने वो बहुत पहले का ये मेरा जो क्लिप है, जो भी आप लोग देख रहे हैं, है ना, पर मैंने जब उस दिन वीडियो शूट किया था, मैं उस दिन आप लोगों से यही बता रही थी कि मेरे हस्बैंड का यूरिन इन्फेक्शन था, उस समय भी था जब जन्माष्टमी थी,
बट मैंने आप लोगों से बताया नहीं था। तो जब वो ये वाला वीडियो मैंने बनाया था ना, जो मैं आप लोगों से आज बता रही हूँ, तो उसमें उसमें मैंने यही बोला था कि तो यही चीज़ है जो उनका यूरिन इन्फेक्शन है। वो मुझे लगा था कि चलो कम हो रहा है, उस समय ज़्यादा नहीं था, मतलब आधा से 1 पॉइंट ही बड़ा हुआ था। क्योंकि आप लोगों को जब मैंने ये खबर बताई थी तो मतलब वो सॉरी जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही मैंने बताया था कि हमारी खुशियों को नज़र लगी। तो उसके पहले भी इन्फेक्शन बढ़ा हुआ आया था इनका, और वो भी तो डॉक्टर ने, मैंने आपको बताया था ना, अचानक से फ़ोन आया था। तो यही चीज़ें हैं, बस आप लोग प्रे ज़रूर कीजिएगा कि इनका जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है वो जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, और यही कारण है, यही चीज़ें आप लोगों से बताना था। एंड प्लीज़ आप हमें, हमारी परेशानी को ज़रूर समझिएगा एंड सपोर्ट भी करिएगा। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्या अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ। अब देखो मैं आप लोगों से बातें ही कर रही ना, ये लोग सोते सोते से उठ चुके हैं, और यहाँ पे मैं जो भी था, मेरा खाना पीना तो बन गया था, इसके बाद ही मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, ऐसे नहीं किया था। तो मैं ये देख रही थी अगर मुझे कुछ खाना बनाने के लायक होगा तो मैं बना लूँगी, नहीं तो फिर रहने दो, ते पापा को परेशान नहीं करो। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो आपको अगर आज की चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत अपनी वीडियो में पूरी पूरी करती हूँ, और कोशिश बहुत करती हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग दे पाऊँ। पर आप मेरी कंडीशन भी समझ रहे हैं ना कि आरती अभी किस लाइफ से गुजर रही, किन परिस्थितियों से गुजर रही है। सो प्लीज़ सपोर्ट जरूर। पूरी से अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट हाँ मैं कुछ चीज़ें और आप लोगों से बताना चाह रही हूँ। और ये मैं रेडी क्यों हुई हूँ, वो खासकर आपके लिए रेडी हुई हूँ, क्योंकि आप बोल रहे थे थोड़ा सा आरती आप हर बार थोड़ा सा ओल्ड फैशन लेकर आते हो, कुछ यूनिक सा बताओ कि जिसमें कि हम वेस्टर्न ड्रेस वगैरह, तो ऐसे तो हमारे यहाँ अलाउ नहीं है कि हम वेस्टर्न ड्रेस, हर जगह का अलग अलग कल्चर है, एंड मैंने कभी पहना नहीं है वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग भी ना, ये कफ्तान कुर्ता है एंड इसके साथ प्लाजो दिया जाएगा जो कि मैं साइड में बता दूंगा, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। कपड़ा क्वालिटी बहुत 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 अच्छा है, और ये मैंने इयर रिंग्स जो है वो भी अमेजोन से ही परचेज़ किया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको बाई कर सकते हैं। ये जो है ये मोती का हार है, हार कह रही हूँ ऐसे ही है, आप इसको ये ना पूरी ये मोतियाँ हैं, आप इसको अगर ना उनके साथ वेयर करेंगे वेस्टर्न ड्रेस के साथ तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये तीन चीज़ मैंने वहाँ से ली है, और तो मैंने ये लहंगा मंगवाया हुआ है, कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, राजस्थानी लहंगा मंगवाया हुआ है, ये देखिए, ये इसमें बॉर्डर बहुत 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 प्यारी है, ये देखिए बॉर्डर कितनी सुंदर है ना। और ये काफ़ी कम प्राइस का, इसका प्राइस कहेंगे आप बोलेंगे ओ माय गॉड, इसके 1400 रुपये का है हमारा, और इसको ही मैं हो सकेगा तो साइड में ला के जरूर बताऊंगी। ये देखिए जो इसके अंदर का कपड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये अंदर साइड आपको ब्लाउज पीस दिया जाएगा है ना, ये 1400 रुपये का है मैं आपको बता दूँ। चुनरी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है ये चुनरी, और ये इस तरीके से आप इसको डाल दें। ये कलर जो होते हैं ना, वो बहुत देर तक कुछ कुछ आप लोगों से और बातें करती, पर यहीं पे मुझे अपना अमेजोन हॉल वीडियो रोकना पड़ रहा है क्योंकि ये बंदर परेशान कर रहा है। अगर आप कुछ ही बाय करना चाहते हैं जो कि मैंने आप लोगों से बताया, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारे कपड़े मैंने धुले हैं, अब इतने सारे कपड़े पता क्यों होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन से बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे, और अचानक से उन्होंने टैबलेट खाई, कि टैबलेट बहुत पावर वाली होती है ना, मतलब खाना तो वो खा रहे थे पर बहुत कम कम खा रहे थे, जैसे ही खाना खाए पूरे वॉमिटिंग कर दी, पूरे बिस्तर में उल्टी उल्टी कर दी, जहाँ वो नीचे लेटते, मुझे सारे बहुत सारे कपड़े धुलना पड़ा। वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, अभी मैं अपनी वीडियो कर रही हूँ यहीं पर एंड, और बहुत ज़्यादा थक गई एक्चुअली ना। मैं भी जब ज़्यादा हैवी काम कर लेती हूँ ना लगातार, जहाँ से मेरा किडनी निकला गया था वहाँ मुझे पेन होने लगता है, ऐसे मुझे नहीं होता है पर हाँ अभी अभी वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, जब से बैक पेन हुआ तब से, या फिर बैक पेन होगा मुझे, वही मैं लेट गई, खाना पीना खाया, मैंने कहा लेट गई अब थोड़ा सा बाहर यहीं पे आराम करूँगी, बच्चों को इस पलंग में ऊपर दोनों को सुला दिया है मैंने, ऐसे आड़े आड़े सुला दिया है,
उनके पास अगर आप लोगों से बैठ के बातें करती तो शायद वो उठ जाते, और ये अंदर लेटे हुए हैं, इसलिए मुझे दोबारा पूरे बिस्तर धुलने पड़े, मतलब चादर, दो कंबल, एक और चादर, और जो उनके कपड़े थे वो जो आसपास में छीटे हुए, मुझे इतना डबल काम बहुत करना पड़ा सच में आज बहुत। तो अभी हालांकि जो मकान का है वो आंटी ने बोला है कि अभी आज शाम को हम बताएंगे, और आज शाम को हमने कहा ठीक है आप बता दीजिएगा। चलिए आप लोग को अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।